किसी के घर से चोरी हो जाए तो कई दिन लग जाते हैं चौकी थानों के चक्कर काटने में। अब इसे अफसरशाही या तानाशाही मानेंगे या फिर माननीयों की हनक कि किसी का जूता चोरी होने पर दो मंडलों की पुलिस बराबर तलाशी में जुट जाए। जी हाँ दोस्तों, रेल से सफर के दौरान डीआरएम की बेटी का यहाँ हुआ जूता चोरी तो मंडल के रेल मुख्यालय में हड़कंप मच गया। रेलवे अधिकारी और कर्मचारियों ने आनन फानन में जूता चोरी का केस भी दर्ज कर दिया। अब दो मंडल की रेलवे पुलिस को जूता ढूंढने के काम में लगा दिया गया है। चौंकिए मत, दरअसल बरेली मुरादाबाद अंतर्गत डीआरएम की बेटी का जूता हुआ है चोरी। चाहे देश में कुछ भी हो जाए पर फिलहाल डीआरएम की बेटी का जूता तलाशी जारी है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी की बेटी का ट्रेन से जूता चोरी हुआ तो महकमे में हड़कंप मच गया। विभागीय सूत्रों की माने तो लखनऊ मेल में 4 जनवरी 2023 को उड़ीसा के डीआरएम विनीत सिंह की बेटी मानवी सिंह का कीमती जूता चोरी हो गया। बताया जा रहा है कि जूते की कीमत 10,000 रुपए है। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि जूते पास में बैठे सीट पर महिला यात्री ने ही चुराए हैं। इस महिला पर चोरी के आरोप लगाए गए हैं। वह सुबह बरेली जंक्शन पर उतर गई थी। अब चूंकि मामला डीआरएम से जुड़ा था इसलिए रेलवे अधिकारियों ने आनन फानन में केस दर्ज कर दिया। अब चोरी हुए जूते की तलाश में दो मंडल की रेलवे पुलिस जुटी है। यह मामला बरेली मुरादाबाद मंडल के रेलवे मुख्यालय से जुड़ा है। डीआरएम विनीत सिंह ने इस बाबत रिपोर्ट संबलपुर जीआरपी में दर्ज कराई। चोरी की इस घटना की जानकारी जीआरपी और आरपीएफ को दे दी गई। संबलपुर जीआरपी से मुकदमे की कॉपी मिलते ही बरेली आरपीएफ और जीआरपी पुलिस की जांच में जुट गई। मामला रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी से जुड़ा होने के कारण रेलवे अधिकारियों के माथे पर सिकंद है, क्योंकि यदि समय पर रेलवे अधिकारी की बेटी के जूते नहीं मिले तो कितनों की नौकरियों पर खतरा मंडरा आ सकता है, ये कहा नहीं जा सकता। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि जूता चोरी की घटना 4 जनवरी सुबह 4:15 की है। संबलपुर इसको रेलवे के डीआरएम अजीत सिंह की बेटी मानवी और उनकी पत्नी 3 जनवरी को लखनऊ मेल से सफर कर रहे थे। यह दिल्ली से लखनऊ जा रहे थे, इसी दौरान यह घटना घटी है। आरोप है कि डीआरएम विनीत सिंह की बेटी के बगल वाली सीट पर ही महिला ने जूते चुराए और अब उस महिला की तलाश जारी है। यूं कहे फरमान उत्तराखंड में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में किस तरह से चल रहे हैं वो हम देख रहे हैं। देश की दिशा और दशा कहां जा रही है ये फर्क नहीं है, फर्क पड़ता है तो जूता जो चोरी हुआ है वो वापस मिल जाए। तुगलकी फरमान का इससे बड़ा उदाहरण कहीं और नहीं हो सकता। अब देखिए क्या सफलता मिल पाती है, जूता मिलेगा।